हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम देखने जा रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा वीडियोस। इसमें हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला वीडियोस में हम लोग देखे थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनीशन और उस पर कुछ एग्जांपल। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लें, फिर इसको देखिए। तो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन। ये होता है x टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे ध्यान रखना है n वन माइनस वन नहीं होगा, n नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि n यहाँ माइनस वन हो जाएगा तो माइनस वन प्लस वन इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जिससे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो n का वैल्यू माइनस वन नहीं रखना है। फिर अगर हम n माइनस वन रख दें तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू माइनस वन रख दें तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर, यहाँ माइनस वन हो जाएगा, मतलब एक्स टू द पावर माइनस वन डी एक्स, मतलब ये हो जाएगा एक्स के पावर माइनस वन वन बाई एक्स डी एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स के पावर एन पे ही एक दो फॉर्मूला इसको याद रखना है। ये वैसा फॉर्मूला नहीं है, एग्जाम्पल है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन हो इसके लिए इसको याद रखना है। जैसे कि रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा टू बाई थ्री एक्स रूट एक्स प्लस सी, या वन बाई रूट एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होगा टू रूट एक्स प्लस सी। ये तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स। ये होता है ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस सी। एंड फोर्थ इज ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई लॉग ऑफ ए के जगह हो जाएगा ई, मतलब ई टू द बेस ई प्लस सी, और e टू द पावर x log e टू द बेस c का वैल्यू होता है वन, मतलब e टू द पावर x प्लस c ही रहेगा। पांचवा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन साइन x डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस c। ये नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन कॉस x डी एक्स। ये हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। सेवेंथ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाता है टैन एक्स प्लस सी। यहाँ देखना है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ उल्टा सोचना है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स। एट्थ कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाता है माइनस कॉट एक्स डी ए सॉरी कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ से देख सकते हो लोग, सेक स्क्वायर एक्स कॉस एक स्क्वायर एक्स का पता है, अगर पूछा जाए टैन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो टैन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स माइनस एक्स का ये वन का वन, मतलब एक्स का पावर जीरो, और यहाँ हम बता दे रहे हैं वन इन ये वन इंटू डी एक्स, ये होता है वन मतलब एक्स का पावर जीरो डी एक्स, मतलब कि एक्स का पावर जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन प्लस सी, मतलब कि एक्स प्लस सी। ये वन का हो जाएगा एक्स प्लस सी, मतलब वन डी एक्स का होता है एक्स प्लस सी। तो टेन स्क्वायर एक्स का हम लोग देखें ये सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके, उसी तरह ये होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का सॉरी ये कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं हम लोग नाइन्थ, और ये है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये होता है सेक एक्स प्लस सी, और टेंथ नंबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। एलेवेंथ देख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे टेन एक्स
का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 13 नंबर है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। आगे हम लोग देखेंगे ये इसका प्रूफ कैसे ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। अभी देखने के लिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करोगे तो आ जाएगा सेक एक्स। देख सकते हो इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ निकाल रहे हैं लॉग इतना का वन वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। मतलब कि लॉग इतना का डिफ्रेंसिएशन ये हुआ, ऊपर से हम लोग सेक एक्स कॉमन करेंगे तो आएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये कैंसिल आउट होगा और बचेगा सेक एक्स। मतलब कि इस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है सेक एक्स, इसलिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं 14 नंबर, कॉसेक एक्स डी एक्स ये होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और नेक्स्ट 15th इंटीग्रेशन वन बाई रूट अंडर एक्स, ये वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी को हम लोग लिखे हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड 16th वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी का हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसलिए क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी यही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम देखें वन बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो ये हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी का होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये था इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे आगे इस फॉर्मूलाज का एप्लीकेशंस और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस। तब तक के लिए ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।